मार्केट और मसाइल से आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है। आज हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मलिक लियाकत मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन में मौजूद हैं और यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, चाहे वो बलदियाती इदारों के मसाइल हों, चाहे वफाकी और सिंध हुकूमत के मसाइल हों। इन मसाइल को कौन हल करेगा? तकरीबन 50 से 60 साल और 70 साल का अरसा गुजर चुका है, मसाइल के अंबार तो मजीद लगे हुए हैं। बार बार शिकायतें की गई, लाखों करोड़ों रुपये का टैक्स इस मार्केट से वसूल किया जाता है, मगर इनके साथ सौतेली माजे का सुलूक किया जा रहा है। ये क्या, ये वजह किन की है, ये कौन लोग हैं, ये किन इदारों से इनकी वाबस्तगियाँ रैली पड़ती है, मगर इनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं, ये क्या वजह? मूनसून बारिशें भी चल रही हैं, मार्केट के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि वोट के दौरान तो बड़ी जो है वोट के दौरान तो बड़ा दिखाते हैं कि बड़े ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, मगर कामयाब होने के बाद इन्हें मुसलसल लॉलीपॉप मिलता है। मैं इस वक्त मलिक लियाकत मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन में मौजूद हूँ और मेरे साथ इनकी काबिना मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त लियाकत मार्केट के सदर मोहम्मद अनीफ कांची साहब मौजूद हैं। इनके अलावा मरगूबुल हसन साहब मौजूद हैं, अहमद हसन साहब भी मौजूद हैं और नदीम मलिक साहब भी मौजूद हैं। इनसे होंगी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू और करेंगे मसाइल पर बातें। अनीफ कांची साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक लियाकत मर्चेंट मार्केट एसोसिएशन के आप सदर हैं और गुज़िश्ता आपने देखा कि कई सालों से ये मार्केट में बड़े मसाइल हैं, जहाँ लोड शेडिंग का भी मसला हुआ, आप मुसलसल टैक्स भी देते हैं, बल्दियाती इदारों की नाकिद कारकर्दगी इस वक्त मार्केट में दाखिल हुए तो सामने नजर आई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप मेरे पास आए और मुझे मौका मिला कि मैं अपने मसाइल बयान करूँ। ये बल्दियाती इदारों के जो कारकर्दगी है तो हालिया बारिशों में आपके सामने हो, और आप लखनऊ शहर से आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको पता चल रहा होगा कि कितनी दुश्वारी से आप लियाकत मार्केट पहुँचे होंगे। कचरे के अंबार हैं, पानी के अंबार, ये तो बारिश अभी हुई है। ये लियाकत मार्केट के एतराफ में मुसलसल 4 माह से गटर के पानी भर रहे हैं, रोड टूटी हुई है। कोई मैं बेताशा दरख्वास्त, मेरा कोई ऐसा दिन महीना नहीं है कि जो मैंने कंप्लेन ना की। तो ये कंप्लेन किसको की है? क्या बल्दियाती इदार को की है, यहाँ के यूसी चेयरमैन को की या डीसी को दी, या मतलब किन को आपने? बल्दियाती इदारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं नैयर रजा साहब कोरंगी के, उनके इदारों के उनके माते जो लोग बैठे हुए हैं उनको, यहाँ के यूसी नाजिमों को, यानी किसको नहीं कहा मैंने कि ये जो लियाकत मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, खुदा के लिए इसके लिए कुछ सोचें। जो रोड है यहाँ मार्केट में आने का रास्ता नहीं है, इंक्रोचमेंट, बाहर आप चले जाएं बहुत बुरा हाल है, आप नहीं आ सकते। आप रोड से आए होंगे ना, आपको अंदाज़ा हुआ होगा अभी कि कालापुर से जब अंदर घुसे होंगे लियाकत मार्केट आने के लिए, आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी दुश्वारी चाह रहा हूँ इस लियाकत मार्केट में। ग्राहक जब हमें रास्ते नहीं मिलेंगे ग्राहकों को आने के लिए, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, या ट्रांसपोर्ट कोई नहीं, इतनी बड़ी लियाकत मार्केट है ट्रांसपोर्ट नहीं, इसकी वजह क्या है कि उनको रास्ते नहीं मिलते आने के। तो मजीद आपने कहा कि लोड शेडिंग का भी मसला है, आपके यहाँ पार्किंग का भी मैंने देखा मसला है, तो पार्किंग के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या मसाइल है? पार्किंग के लिए जो है हमने, हमारे पास मोटरसाइकिल की बैठती है वो भी कम पड़ती, लक्ष्मी के दुकानदारों की मोटरसाइकिल की पार्किंग है वो। पार्किंग के लिए यहाँ पे 2 स्कूल है सामने, हमने बहरहाल कोशिश की कि हमें 2 स्कूल जो हैं वो ऑफ टाइम में स्कूल बंद हो, हमें दे दी जाए घंटे को, हमने कहा हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, अगर स्कूल के कोई अखराजात हैं वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें दे दें जगह, मगर उन्होंने हमें नहीं दी जगह। अगर यहाँ से कचरे ही उठ जाए ना रोडों से तो पार्किंग की जगह बन जाएगी, वही काम कर लें। लोड शेडिंग का तो बुरा हाल है पूरे कराची का, हमारा बुरा हाल है। यहाँ सुबह से जो है वो 4 टाइम लाइट जाती है 2.5 घंटे। तो क्या आपके दुकानदार क्या इलेक्ट्रिक को बिल बराबर दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 8 साल पहले यहाँ पे तांबे के वायर थे, सही पूरी जब के ये सी थी 2005 की बात, उसके बाद जलाते थे ये हमें तोहफे में मिली के ई, उसके बाद ये चलता रहा, उसके बाद उन्होंने कॉपर उतारना स्टार्ट किया और ये कह के उतारना स्टार्ट किया कि हम यहाँ पे एडीसी कर रहे हैं, सही है। इससे आपकी जो लोड शेडिंग हो रही है उसमें कमी आ जाएगी, जो चोरी है वो खत्म हो जाएगी, बिलिंग पर होगी, हमने देखो सही है। ये जो मलिर कॉलोनी, ये जो मलिर एबीसी है,
आईबीसी, लियाकत मार्केट पहली मार्केट ही है उन्होंने एबीसी करी 8 साल पहले, और उस वक्त 1.5 घंटा लोड शेडिंग होती थी जब उन्होंने ये आए यहाँ पे, तो ये कहा कि हम बिल्कुल इसको जीरो पे जाएंगे आपकी लोड शेडिंग। हमने कहा 24 घंटा, हमने पहले स्टार्ट करा इसको, ये करना स्टार्ट किया, ये होते होते आज लोड शेडिंग 2.5 से 3 घंटे की हो गई 8 साल। चोरी 0% है लियाकत मार्केट में, बिलिंग 90% है, और अगर कोई दुकानदार नहीं भरता है तो बगैर मेरे पूछे उनकी लाइन डीसी हो जाती है। हनी गांची साथ से हमारी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगु चल रही थी। हमारे साथ इस वक्त इस मार्केट के बुजुर्ग और यकीनी तौर पर इन्होंने बहुत से मसाइल यहाँ पर देखे होंगे, कुछ गुफ्तगु हम उनसे भी करते हैं और यकीनी तौर पर वो इस इलाके के साथ साथ मार्केट के भी हम मसाइल तागा करेंगे। जनाब मरगूबुल हसन साहब, मरगूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरगूब साहब, आप इस मार्केट में बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं और यकीनी तौर पर इस मार्केट की के तकरीबन 50-70 साल इस मार्केट के हो गए और आपने बहुत से मसाइल यहाँ देखे होंगे। आपकी आंखों के सामने कई ऐसे मसाइल गुजरे होंगे, कई सदर आए, सेक्रेटरी आए, आपकी काबिन आई चली गई, उन्होंने भी यकीनी तौर पर आपकी मार्केट के मसाइल हल किए होंगे और नहीं हल किए होंगे तो दूसरी काबिना ने किए होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? भैया जैसा कि अभी आपने भी फरमाया, हमारे सदर साहब ने भी फरमाया कि ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और 1952 में इसका क़याम अमल में आया। अब 1952 से लेके आज तक मैंने बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी सरकारी इदारे, बलदियाती इदारे या जो भी मुतालिका इदारे, उन्होंने इस लियाकत मार्केट की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। ये जितनी भी तरक्की या जितना भी उरूज इस मार्केट का आप देख रहे हैं, ये हमारे सदर साहब की कोशिशों से हुआ। यानी अगर इनकी ज़ाती कोशिशें ना हो तो लियाकत मार्केट के मसाइल मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा हो जाए के लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो। तो आपने इतनी उम्र देखी, यहाँ 1952 से इस मार्केट का क़याम है और आप देख रहे हैं, तो यहाँ मुंतखब होने वाले MPA, MNA, चेयरमैन, DT चेयरमैन, DC लाइन ऑर्डर के लोग आते हैं आपके पास जी, तो क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती और आपसे कुछ मुतालबात भी करते होंगे और आप पूरे करते हैं, उसके बावजूद भी मसाइल के अंबार में आप? भैया नुमाइंदे भी आए यहाँ तकरीबन, MPA MNA के दौरे भी, MNA के दौरे भी हुए, मुख्तलिफ आपकी तरह मुख्तलिफ चैनल भी आए, यहाँ मीटिंगें भी हुई, बातचीत भी हुई, सारी बातें हमने पहुँचाई। सबसे बड़ा मसला इस लियाकत मार्केट का मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ, सदर साहब हो सकता है इससे इत्तेफाक करें, कि लियाकत मार्केट में मेरा ख्याल है 8 या 10 जो हैं सरकारी रूट है, यानी पब्लिक बसेस के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, लेकिन शायद कोई रूट जो है वो काबिल अमल नहीं है। सिर्फ एक केल है जो छोटी गाड़ी है, मेरा ख्याल है दूध के डब्बे रखने वाली गाड़ियाँ हैं जिन पर लोग बैठते हैं और वो चलती है यहाँ पे, और जाहिर है उसके लिए भी रास्ते, आपने अभी आप एंट्री हुई होगी आपकी तो आपने देखा होगा कि रास्ते इंतहाई कंजस्टेड है, ठेले, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मुख्तलिफ जगह ना होने की वजह से परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से जो है लोग परेशान हैं। ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला इलाकत मार्केट का ये। कुछ पार्किंग के बारे में बताइए कि पार्किंग मुख्तलिफ जगहों पर मैंने देखा कि वहाँ पार्किंग का मसला है। पार्किंग का भैया हमने तो ये सुना है कि पूरी कराची की मार्केटों में पार्किंग का मसला है, इसी तरह हमारी लियाकत मार्केट में पार्किंग। तो यहाँ कोई पार्किंग माफिया है जो आपसे मतलब जो है वो पर्ची देते हो, पैसे लेते हो? नहीं, पार्किंग माफिया कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जो आप जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी आपने भी बाहर देखी होगी, ये लियाकत मार्केट की अपनी जगह है, यानी दुकानों के दरमियान की जगह है, और वैसे भी रहाइश हो या दुकान हो उसके सामने की जगह पर उसका हक होता है। उसी हैसियत से हम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा लोग मुकर्रर के लोगों को सहूलत देने के लिए पार्किंग हमने कायम की हुई है, इसका कोई यानी कमर्शियल कोई जवाब नहीं। तो मेरे साथ इस वक्त अहमद हुसैन साहब भी मौजूद हैं और अहमद साहब से भी हम पूछेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और ये मलिर जो कि लियाकत मर्चेंट मार्केट एसोसिएशन है और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और तकरीबन यहाँ पर 1600 दुकानदार हैं जो कारोबार करते हैं और हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं, उसके बावजूद भी ये मसाइल के अंबार में। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब पहले तो ये बताइएगा कि अभी मरगूब साहब ने भी कहा, हनीफ गांची साहब ने भी कहा और कुछ मसाइल निशानदेही की है, मगर बल्दियाती इदारे इस वक्त भी गफलत की नींद सो रहे हैं, चाहे वो मेयर कराची साहब हों, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, इसके अलावा
जो बलदियाती वजीर नासिर हुसैन शाह, वो कहते हैं कि शहर में बहुत साफ़ सुथरा है। उनका ये बयान है कि वो साफ़ सुथरा शहर देख रहे हैं और बारिश से कोई भी रोड सड़क नहीं भरी हुई। तो आप अपनी मार्केट के मसाइल क्या देख रहे हैं? भाई जान, बात यह है कि नासिर हुसैन शाह साहब जो देख रहे हैं, वो शायद उन्होंने शायद कोई ऐनक ऐसी लगाई हुई होगी जिसमें सिर्फ सफाई सफाई नज़र आती हो, उनको कहीं गंदगी नज़र ना आती हो। हो सकता है कि वो अपने इलाकों में डिफेंस में या जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो अपने इलाकों की सफाई करवा देते हों और वो उनको कुछ नज़र ना आता हो, वो आके यहाँ पर हमारी कॉलोनी का दौरा करें, देखें, टोकन स्टाफ से अंदर घुसे तो उनको नज़र आएगा कि रोड हमारे कैसे टूटे हुए हैं। इधर मलिर सिटी से घुसेंगे तो उनको पता चलेगा रोड किस तरीके से टूटे हुए, हम लोग या हमारे कस्टमर किस तरीके से मार्केट तक आते हैं, उनको आने में कितनी दुश्वारी होती है और वो दुश्वारी होती है और उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं है। कभी अहमद साहब, कभी आपकी एसोसिएशन जो है, उन्होंने कभी वजीर बल्दियात या इन इदारों से कोई रब्ता किया इस मसाइल के ऊपर? जी, बात यह है कि वहाँ तक तो पहुँचे हैं मगर पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। सदर साहब हमारे यहाँ जो भी कुछ काम करते हैं और जो डीसी से और यहाँ के एमएनए एमपीए वगैरह से जो बात होती है वो तो यहाँ तक रह जाती है मगर वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, इस वजह से अभी वहाँ पहुँच नहीं सके। तो ये मतलब मजीद कोई और प्रॉब्लम जो आपके जहन में हो मार्केट के? मार्केट के हवाले से तो प्रॉब्लम हमारी सदर साहब ने जो है सफाई सुथराई के हवाले से अपने तौर पे जो हमने मार्केट की वेलफेयर ने जो किया हुआ है वो सफाई के लिए हमने अपना मार्केट के अंदर सेवरेज लाइन अपनी डाली हुई है, अपने मतलब वेलफेयर ने वो पानी जो है ना वो सकिंग करवाते हैं, बाहर निकलवाते हैं और जितने भी मसले मसाइल हैं वो सदर साहब देख लेते हैं। हाँ, इस वक्त मेरे साथ एक और इस मार्केट के अहदेदार भी कह सकते हैं, दुकानदार भी कह सकते हैं और ताजिर रहनुमा भी कह सकते हैं, नदीम मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं। हनीफ साहब ने कहा कि तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे रहती है। तो इसके अलावा आपने कैलेक्ट्रिक को लाखों रुपये का करोड़ों रुपये का बिल अदा करते हो, तो कैलेक्ट्रिक ने कोई नज़रसानी की आपके कोई पीएमटी वगैरह या आपसे बात की हो कि आप अपनी जो है वो पीएमटी अलग लगवा लें, तो इस मौजूद में कोई बातचीत हुई है? सर जी, बातचीत तो हमारे सदर साहब ने इतनी की, उनसे मेरा समझता हूँ लियाकत मार्केट के लिए जितनी जद्दोजहद हमारे सदर साहब ने की है ना, शायद किसी भी मार्केट का सदर नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह हर महीने इलेक्ट्रिक के ऑफिस पे भाग रहे हैं, हर महीने उनके बड़े ऑफिस में भाग रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम नामुमकिन नज़र आ रहा है हमें। हर अभी भी कंप्लेन उन्होंने मेरे ख्याल से 15 दिन पहले भी कंप्लेन वहाँ तक पहुँचाई कि भाई खुदा रहा ये निज़ाम सही कर दो। आप यकीन करें, मैं समझता हूँ अगर हमारे सदर साहब ये जनरेटर नहीं लगाते ना मार्केट का, तो हम लियाकत मार्केट वाले जो है ना अंधेरे में बैठे होते, घाक आते, अंधेरे में आते और चले जाते। नदीम साहब, अभी मैं तकरीबन तीनों अफराद की एक ही बात सुनी, मसाइल की, और सब ने ये कहा कि हमारे सदर साहब। तो सदर साहब तो अकेले जा रहे हैं, तो काबीना क्या कर रही है? काबीना साथ होती है तो आवाज़ बुलंद होती है, एक आदमी के जाने से कभी आवाज़ बुलंद नहीं होती। जैसे कहा कि मीडिया भी आया यहाँ पर, एक दफ़ा के मीडिया के आने से काम नहीं होता, मीडिया भी बार बार आएगा तो ये मसाइल हल होंगे। तो क्या बात है कि सदर साहब के साथ आपकी काबीना नहीं जाती किसी डिपार्टमेंट? नहीं, सदर साहब के साथ काबीना जाती है, बिल्कुल जाती है, लेकिन मसला ये होता है हमारे सदर साहब माशाल्लाह खुद इतने एक्टिव हैं इन चीज़ों में कि हमें, हम समझते हैं कि हम हमारे जाने ना जाने पे भी हमारे सदर साहब वही काम करेंगे जो हम साथ जाएंगे। तो हमारे सदर साहब जो है ना ये चाहते हैं कि दुकानदार जो है कि अपना कारोबार पर बैठे, जो मसाइल हैं दुकानदार के उनके जाने से पहले मैं हल कर दूँ, कोशिश उनकी पूरी यही होती है। अभी ये मार्केट का टैंक बनाया, कल जिस हिसाब से ये बारिश हुई, निज़ाम बल्दिया का निज़ाम तो आप देख लें हर जगह का कैसा हुआ है, लेकिन अगर कल हमारे सदर साहब ये मार्केट का टैंक नहीं बनाते ना सर जी, तो ये दुकानों के अंदर पानी होता। हरी भाई साहब, अभी चंद रोज पहले 18 मार्च 2020 कोरोना वायरस की वबाई और तकरीबन 3 और वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, 22 मार्च को लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और तमाम तजारती छोटे बड़े तजारती मराकज बंद कर दिए गए और यकीन तौर पर वो 2 माह आपका दुकानदार जो मुलाजिम है और आपने कहा कि 1500 से ज़्यादा दुकानें और यकीन तौर पर 1500 का मतलब है कि 4000 तकरीबन मुलाजिम होंगे,
इस दौरान आपकी वेलफेयर है, तो आपने अपने मुलाजमीन के लिए क्या इकदाम किए? क्या उनको कोई अनाज पहुंचाया या उनकी तनख्वाहें बराबर दी? ये तमाम बोझ आपने अपने ऊपर उठाया? इत्तेफाक से हुआ यह था कि 16 मार्च को मेरे इलेक्शन थे, 17 मार्च को मार्केट खुली। हमारे यहाँ लॉकडाउन 18 मार्च से स्टार्ट, हमारी मार्केट 18 मार्च से बंद है, बाकी जगह 22 मार्च को हुआ होगा। इस दौरान बहुत परेशानी हुई लोगों को, लाजमी बात है, दुकान किराए पे भी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लियाकत मार्केट के दुकानदारों ने अपने मुलाजिम की तनख्वाहें पूरी थी, किसी की कटौती ना किसी मुलाजिम को एक को निकाला। जो मदद हो सकती थी हज़ब तौफीक और किराए भी जो है वो एक एक माह का किराया भी हमारे दुकान जो मालकान थे उन्होंने माफ़ करा, उनका छोड़ दिया किराया। और अगर दूसरे महीने का भी अगर कहा है कि भाई आप किस्तों में दे देना, कोई परेशान नहीं किया किसी को, ना किसी की दुकान खाली करवाई। जो मदद एसोसिएशन की हो सकती थी एसोसिएशन के थ्रू भी हमने करी है मदद, हमारे दुकानदार के अलावा भी हमने मदद की, बाहर के लोगों की भी मदद की, जो गरीब गुरबा लोग थे उनकी भी मदद की। हमारे दुकानदार ने बहुत अच्छा ताउन किया, मगर इस लॉकडाउन ने हमारी कमर हिला दी, हमारा दुकानदार बहुत परेशान हो गया। मदद अपनी जगह पे, परेशान और आज तक परेशान है, आज तक भुगत रहे हैं हम इस लॉकडाउन को। लॉकडाउन है नहीं ये, मैंने तो रफीक भाई आप यकीन करेंगे 2 माह से टीवी देखना छोड़ दिया। क्या आप ये इस मार्केट में SOP का क्या ख्याल कर रहे हैं कि आपकी जो मार्केट में आपने अच्छी बात की आपने, बिल्कुल कर रहे हैं जो हो सकता है। किस जगह पे SOP का ख्याल हो रहा है? जिस तरीके का लॉकडाउन है उसी तरीके का SOP पीढ़ी लगी हुई है, पीढ़ी की SOP भी यही है ना। 7 बजे तक पूरी रात खुली हुई है, हफ्ता इतवार भी खुली हुई थी, सिर्फ ये कपड़ा कॉस्मेटिक जूता क्या ये अच्छा इनके दुकानदार गरीब नहीं है क्या? उनको खाना नहीं खाना, उनके वहाँ खाना नहीं पकना, उनको दुकान मकान के किराए नहीं देने, उनको बिजली के बिल नहीं भरने, उनको सब कुछ करना है ना खुदा के लिए, ऐसा नहीं करो। अनिल गांची साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बेशुमार मसाइल के बारे में बताया, और खुसूसन जो लॉकडाउन का उन्होंने जिक्र किया और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की और इसके साथ साथ इन्होंने अनाज भी उनके घर पर दिया। हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के वापस आएंगे तो हमारे साथ मार्केट के दीगर अहदेदारान भी हैं और उनसे भी इसी मसाइल पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मार्केट और मार्केट में इन्हीं के मसाइल इन्हीं की जबानी भी सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पर जाने से पहले अनिल बांची साहब जो कि यहाँ के सदर हैं मलीर लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, और अब मजीद उनके कुछ अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी यकीन तौर पर लियाकत मार्केट के बेशुमार मसाइल हैं और इन मसाइल को कौन हल करेगा। हमारे बुजुर्ग मरगूब साहब ने कहा कि 1952 में इस मार्केट का क़याम हुआ और यहाँ पर तमाम MPA MNA और जो मुंतखब अदर अहदेदार या आए तो ज़रूर, मगर किसी ने इनके मसाइल को हल नहीं किया। मेरे साथ इस वक्त एक मार्केट के अहदेदारान तहसीन अशरफ साहब मौजूद हैं और तहसीन साहब भी बहुत बेचैन थे कि किसी तरह से माइक मेरे पास आए और मैं लियाकत मार्केट के मसाइल उजागर करूं, मगर यकीनी तौर पे इनकी आवाज़ या इन 8 अफराद में से किसी न किसी की आवाज़ अगर बल्दियाती इदारों तक पहुँच जाए तो इस मार्केट के मफाद में होगा। तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहसीन साहब आपने अनीब गांची साहब की बात सुनी जो आपके सदर हैं, मरगूब साहब की बात सुनी, अहमद हुसैन साहब की बात सुनी, नदीम मलिक साहब की बात सुनी, आपने इन तमाम बातें तो सुनी और यहाँ के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई, मगर आपके जहन में कौन सा ऐसा मसाइल है जो लियाकत मार्केट के मफाद में जाए? मैं ये समझता हूँ कि लियाकत मार्केट में
जिस तरह कराची मसाइल का शिकार है तो लियाकत मार्केट भी उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है। और यकीनन यहाँ गुना गुण मसाइल हैं जिसमें सर फहरिस्त जो है कि इलेक्ट्रिक का मसला है, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सदर साहब ने ये जनरेटर का इंतज़ाम ना किया होता तो हम समझ लें कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे होते। और हमने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार MP MLA देखे हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि हमारे सदर जनाब हनीफ भांची साहब जिस तरह काम करते हैं, अगर इसका अशर अशीर भी हमारे MP MLA कर लें तो ये मुल्क की किस्मत संवर जाए। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 6ठा 7वां इलेक्शन है, क्योंकि मार्केट के इलेक्शन में किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर तो होता नहीं, आप लोग भी जानते हैं। तो जिस तरह लोग अपना दुकानदार हमारे यहाँ के रायदही इस्तेमाल करते हैं और इनको 7वीं 8वीं मरतबा मुंतखब किया है, मैं समझता हूँ ये बात खुद इस बात की गमाज है कि ये आदमी कितना काम कर रहा है मार्केट के लिए, जो कि आपके सामने है। कुछ और तहसीन था मार्केट में बेशुमार मसाले, जैसे पार्किंग का मसला था कि यहाँ मैंने कुछ देखा कुछ खवातीन आ रही हैं, और जब खवातीन आती हैं तो बिल्कुल एक छोटी सी लाइन है, उन्हें जगह नहीं मिलती जाने की, तो उसके लिए कोई प्लानिंग की आप लोगों ने कि आने वाली जो हमारी माएँ बहनें तो वो आसानी से जहाँ अपना खरीदो फरोख कर सके? असल में माय डियर हमारी प्लानिंग जो है इस जगह को सामने रखते हुए ही हो सकती है, जितनी हमारे पास इसकी कैपेसिटी है। अब वजूहत ये हैं कि मोटरसाइकिल का इतना इस्तेमाल है कि अगर एक चाय बेचने वाला है, अगर मार्केट का कोई इम्प्लाई है, तमाम लोग मोटरसाइकिलों पर आते हैं, हमारी अपनी मोटरसाइकिलें मार्केट की इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर हमारे ख़रीदारों की मोटरसाइकिलें हैं, तो हमारे पास जगह शॉर्ट है। और फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम हमारे पास इतनी जगह तो है, और मार्केटों में मैं नहीं समझता कि इस तरह की जगह हो, चूँकि ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ ये जो रश बढ़ जाता है ये बड़ा मसला है, और यकीनन इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, और हम लोग जितने बेहतर अंदाज से कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मेरे साथ एक और अहदेदार मार्केट के, और ये नौजवान हैं, और इनकी हनीफ भांची के साथ यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी दोस्ती होगी और शाना बशाना इनके साथ काम करें, और वोट के दौरान इलेक्शन के दौरान इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। ये हैं मोहम्मद हनीफ साहब, और मोहम्मद हनीफ साहब जो हैं वो यकीनी तौर पर अपने मार्केट के मसाइल के बारे में कुछ जो अगर बातें रह गई हों तो वो आगाह करेंगे। बल्कि मैं अनीस साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि इस मार्केट में लाइन ऑर्डर का क्या मसला है, कि कोई है कि क्योंकि यहाँ चोरी डकैत या लूट मार का कोई ऐसा सिलसिला हो तो उसकी रोकथाम के लिए आपकी एसोसिएशन ने क्या इकदाम किए हैं? लाइन ऑर्डर का तो मसला है, बिल्कुल है, स्नेचिंग होती है बहुत ज़्यादा आगे पीछे रात के औकात। लियाकत मार्केट के अंदर हमने अपने प्राइवेट गार्ड रखे हैं, असले के साथ असला बरदार गार्ड रखे हैं, तकरीबन 9 गार्ड हैं रात के और 5-6 प्राइवेट भी। तो इसके मार्केट के हवाले से तो बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है। एक को भी बीच में कुछ चोरी हुई थी लेकिन वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए सारे मामला। तो क्या वो माल बरामद हुआ था? जी बिल्कुल माल बरामद हुआ। तो आप पुलिस की कारकर्दगी से यहाँ मुतमईन है? पुलिस की कारकर्दगी तो बेहतरीन ही है, बात हुई है असल में बाब इख्तियार वाली बात। मार्केट में मजीद और भी मसाइल हैं। मार्केट के मसाले तो बेताशा ही, जैसे हमारे सारे साथियों ने कहा। अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि स्वीपर हैं, जैसे स्वीपर लिखे हुए तो ऑफिसों में लिखे हुए होंगे, बिल्कुल लिखे होंगे, तनख्वाह भी जारी होंगे, लेकिन यहाँ तक कि इवन कि हम प्राइवेट झाड़ू लगवाते हैं, अपनी झाड़ू भी हम अपनी लगवाते हैं, कचरा कुंडी में हम अपना कचरा, यहाँ पर कचरा कुंडी मार्केट के आगे कचरे का ढेर है, लेकिन हमारा कचरा जाता है आगे जाने का पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर हम कचरा भिजवाते हैं। हमने अपनी गाड़ी लेके दी हुई स्वीपर को कि वो अपना कचरा लेके वहाँ पर डंपिंग पॉइंट में ले आके डाले। ये मार्केट के सामने मुंह चढ़ाता कचरा होता है, अब लोग समझते हैं लियाकत मार्केट का कचरा है, ये एतराफ का कचरा डल रहा होता है, हमारा कचरा जाता है डंपिंग पॉइंट में, हमने गाड़ी लेके दी हुई। मोहम्मद अनीस साहब हमसे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो कचरा है वो हमारा जो कचरा है वो डंपिंग में जाता है, और ये जो कचरा है ये मुख्तलिफ जो इलाके के लोग हैं उनको कोई जगह नहीं मिल रही तो उन्होंने गली कूनों पर यह कचरे के ढेर लगा दिए, और इससे यकीन तौर पर कुछ ना कुछ बीमारियाँ ज़रूर पैदा होती हैं, क्योंकि अभी तो करोना वायरस भी चल रहा है और करोना वायरस के साथ साथ अब ईद उज़ुहा भी करीब आ रही है और उनके जानवर भी गली में बंधेंगे। इसके अलावा जब ये बारिश भी हो रही है तो कुछ आलाइशें ईद उज़ुहा के बाद जब गली कूचों पर होंगे तो मज़ीद और बीमारियाँ पैदा होंगी। तो इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त एक और मार्केट के मेम्बर भी मौजूद है और ये दुकानदार हैं, अनवार अहमद साहब। अनवार अहमद साहब ये बताइए कि अभी इन्होंने कहा कि जो कचरा हमारी मार्केट का है वो तो हम डंपिंग कराते, मगर जो कचरा मार्केट के इर्द गिर्द में उसकी जिम्मेदारी किसके सर पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा हमारे सदर को हिम्मत दी हुई है,
उसने एक अंदर अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, टैंक में पानी के जो बारिश का पानी है वो आके उसमें इकट्ठा होता है, मार्केट की सफाई करा के पहले अपने जिम्मे लेता है, फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना मार्केट का मार्केट की जितनी गटर लाइनें हैं उन दुकानों के साथ मिलाई हुई है, वो पानी आके यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से पानी हम डिस्पोज करते हैं। इसका मतलब ये कि आपने सही कहा कि ये एशिया की पहली मार्केट है और इसमें अपने ही काम हो रहे हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हिम्मत सदर ना पकड़े तो कोई इस तरह में करने वाला हमारी मदद है नहीं, अपने आप मतलब दुकानदार से मिलकर वो सारे पानी को ड्रिंक करना बाहर करना सुबह से लेके, कोई ऐसा सदर आज तक आया ही नहीं कि जो सुबह फजर से लेके फजर तक मौजूद मार्केट में हो। हमने आज तक अपनी आँख खोली मार्केट जब भी आए हैं उसको ऐसा नहीं पाया वक्त की जो सदर यहाँ पर मौजूद ना हो। हम नमाज पढ़ने जाते हैं मौजूद था, वापसी आए हैं तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो ना हमारे अपने आमाल तो खराब हो गए हैं, जो हमारे बड़े हमारे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो आप बताएं कि जो बड़े बैठे हुए किस लिए बैठे हुए, बड़े से मुराद क्या, बड़ों से मुराद क्या, जितने भी हैं इस वजह से बोलो हनीफ भाई के होते हुए हमें बहुत दुकानदारों को, लेकिन जो हनीफ भाई हमें कहते हैं कि मिसाल के तौर पर लाइट है ये 8 घंटे के लोड चले, अगर 11 बजे सुबह दुकान खुलती है 10 बजे तक दुकान खुल जाए 9 बजे तक, अभी तो खैर 7 बजे तक है, अगर इसके बाद बंद करते हैं पूरी लाइट और खोलने दुकान अभी करते नहीं है सामने, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं, हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि हम चाहते हैं कि सुबह अगर हमारी दुकान 11 बजे खुले लाइट मौजूद हो, 7 बजे दुकान लाइट मौजूद हो, और उसके बाद बंद कर दें पूरा, PMT हमारी चेंज कर दें, अलग अलग कर दें, सब कुछ कर दिए, कानूनी से अलग कर सकते हैं कि वो करने पर आवर हो। भाई हमारे साथ अनवार अहमद साहब ने एक बड़ी अच्छी निशानदेही की और हनीफ भाजी साहब ने भी नहीं की, मरगूब साहब ने भी नहीं की, अहमद साहब ने भी नहीं की और नदीम मलिक ने भी नहीं की, और इतनी अच्छी इन्होंने निशानदेही की कि इन्होंने एक अपना डंपिंग पॉइंट बना रखा है और उसमें इलाके का मतलब मार्केट का जो पानी जमा होता है और वो पानी फिर ये टैंकरों के जरिए फेंकवाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी सफाई का खुद ख्याल रखा। और मेरे साथ एक मार्केट के एक और जो मेम्बर्स भी ले लें, दुकानदार भी ले लें, ताजिर भी ले लें, और जब से यहाँ इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और यकीनन जब मुस्कुराहट होती है तो मार्केट के कुछ मसाइल के साथ साथ हो सकता है कि वो कुछ यूनियन के अहदेदारान के भी मुतालिक कुछ अचानक निकाल दें जो हमारे लिए एक नई चीज़ बन जाए, और ये है मोहम्मद वसीम साहब। अच्छा वसीम साहब, आपने कहा आप मौजूद हैं, जब मैं मेयर कराची वसीम अख्तर का जिक्र कर रहा था तो वसीम नाम था उनका, तो उस टाइम आप हंस रहे थे, तो क्या समझते हैं कि मेयर कराची वसीम अख्तर को अगर हनीफ भाजी जैसे इख्तियार दे दिए जाते तो क्या ये कराची शहर रोशनियों का शहर सफाई में कुछ होता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक अंसारी साहब, जैसे आपने सवाल किया वसीम अख्तर साहब मेयर कराची का, तो मेरा ख्याल है मेरा नाम भी वसीम है, तो मुझे आज अख्तर लगा दे जी, आज अख्तर लगा दे, मैं मेरा ख्याल है अगर चाहूँ भी तो मैं अख्तर लगा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मुझे ये एहसास होता है कि मेयर कराची जो है वो मेरा ख्याल शायद सिर्फ नाम के मेयर कराची हैं, हमने तो कभी सिर्फ मेरा ख्याल TV पे तो उनको देखा होगा मलीर में, हालांकि उनके बहुत अच्छे साथी हैं यहाँ पर, जो UC के चेयरमैन भी हैं नैयर रज़ा, वो हमारे साथ उठते थे बैठते थे और मलीर की सारी परेशानियों से वो बखूबी वाकिफ़ हैं, और मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा जो है वो हम लोग के साथ खेलते हुए गुजरा है और मार्केट में आते हुए गुजरा है, लेकिन जब से वो UC के चेयरमैन बने हैं मेरा ख्याल है लियाकत मार्केट उनकी आंखों से ओझल हो गई है, या फिर वो भूल गए ना, उन्हें लियाकत मार्केट के इतराफ़ की सड़कें जो शायद उनके घर तक भी जाती हैं ना, उसमें उनको पानी जमा हुआ नज़र आता है ना, उनको यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ नज़र आता है। होना तो ये चाहिए था कि जब वो UC के चेयरमैन बने थे तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि भाई हमारा कोई साथी जो है वो UC के चेयरमैन बन गया, लेकिन अब इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरों की तरह उन्होंने भी आज तक लियाकत मार्केट पर अपनी शफकत का हाथ नहीं रखा। लियाकत मार्केट ज़बू आली का शिकार है, ये तो हम साथी सब कुछ खुद मिल मिला के हनीफ गांची की ज़ेर सरपरस्ती जो काम सरकारी तौर पर होने चाहिए वो हम लोग करते हैं, कचरा हम अपना खुद उठवाते हैं, झाड़ू हम अपनी खुद लगवाते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि 4-5-6 भंगी जो हैं वो रजिस्टरों में लियाकत मार्केट के लिए लिखे हुए होंगे
और उनके पैसे भी बाकायदगी से अदा किए जाते होंगे, लेकिन ना उन बंदियों को कभी हमने देखा, ना कभी कोई पानी निकालने के लिए गटर लाइन साफ करने के लिए कोई गाड़ी आती हुई देखी, ना कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती हुई देखी। जैसा पहले से हो रहा था वो अब भी हो रहा है। तब्दीली के आसार 2-3 साल पहले नजर आए थे, चीमा साहब मार्केट में आए थे, बड़े फराग दिलाना अंदाज में हमने उनको वेलकम किया, उनके गले में हार भी डाले, वो हमसे मिलके गए, बड़े वादे करके गए कि भाई लियाकत मार्केट में हम जो है आपके साथ ऐसे करवा देंगे, इसका कचरा साफ कराएंगे, इसकी रोड की सड़कें पड़वाएंगे। तो मेरा ख्याल है 2 साल हो गए, अब तक तो ना कोई सड़क पड़ी, ना कोई कचरा साफ हुआ, ना सुपर हम मुहैया हुए। अलगर्ज ये है कि बस मातम ही कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है शायद मातम करते करते ही मर जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस हसरत से वोट तो इनको दे देते हैं, लेकिन वोट के बाद ये ऐसे गायब होते हैं कि हमें नज़र ही नहीं आते। अब ये कैसे नज़र आएंगे, शायद हमारी आवाज़ सुन के कुछ नज़र आने लगें तो कुछ हम पे शफकत का हाथ रख दें और हमारे मसाइल हल हो जाएं। भाई वसीम साहब ने बहुत अच्छी बात की और ये कहा कि नैयर रज़ा इसी इलाके के छोटे से बड़े इनके साथ खेले, और खेलने के बाद वो लियाकत मार्केट से ओझल हो गए। उसी क्या वजह हो सकता है कि उनके पास बल्दियाती इदारों की तरफ से फंड की कमी हो, क्योंकि बल्दियाती इदारों के को फंड जो है यूसी चेयरमैन हो या मेयर कराची हो उनको फंडिंग की कमी है, और कमी होने के बाद मेयर कराची भी बार बार ये कहते रहे कि हमें फंड मुहैया किया जाए ताकि हम अपने अपने इलाकों में यूसी चेयरमैन हो या जो भी उनको हम फंड दें और ताकि वो अपने इलाकों में जाके काम करें, हमारी साख बहाल हो। मगर ये मसाइल तो बहुत हैं और इन मसाइल का अगर हम जिक्र करते रहे तो यकीनन आज 70 साल गुजर गए और वो मसाइल हल नहीं हुए। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे मार्केट की जानिब, और मार्केट में इन्हीं के मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों से बातचीत हुई, और इस वक्त ये मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये बता चाहूँगा बरसात का पानी जमा है और यहाँ मुख्तलिफ कारोबार हो रहा है, खाने पीने का भी है, और लियाकत मार्केट का ये मेन गेट है। मेरे साथ इस वक्त लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हनीफ गांची मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारिश हो रही है, बारिश होने में शुरू हो चुकी है, मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी है, इस मुताबिक आप क्या कहोगे? सर ये तो आपकी आंखों मेरे जी कहने की इसमें ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये हर यूसी का मेंबर, उनका मुलाजिम, एमडी वाटर बोर्ड सबको नज़र आ रहा है कि लियाकत मार्केट के बाहर है। ये कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है, खुदा के वास्ते इनको देखें। ये ईद के 4 दिन रह गए, हमें मजबूर ना करें कि हम उनके घरों पे जाएं या उनके घरों पे धरना दें। हम हमारे साथ ये हनीफ गांची साहब मौजूद है और मजीद जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये लियाकत मार्केट का मसला है और ये गंदगी के ढेर है। तो जनाब आप क्या कहेंगे? सर जी ये कहने वाली हम तो इस चीज़ देख के ये परेशान हो रहे हैं कि हम कारोबार कैसे करें। हमें तो नज़र नहीं आ रहा, हमारा कारोबार इस चक्कर में बिल्कुल तबाह हो गया है। हमारा तो अब दिल ये चाहता है बस शेटर बंद करें और घर पे बैठ जाएं। हम इस वक्त बारह में रहमत शुरू हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त अहमद हुसैन साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं।
भाईजान ये देखें, आपके बारिश का पानी सब तरफ जमा है और हमारे ग्राहक जो है या मतलब लोगों को, आवाम को परेशानी है। यूसी वाले या केएमसी वाले जो है ना, वो इस तरफ तवज्जो देते ही नहीं है। वो ना जाने किस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सफाइयाँ कर रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर जो है ना सब गटर का पानी और बारिशों का पानी जमा है, वो कोई निकालने वाला है ही नहीं यहाँ पर कोई अभी तक। हम मार्केट के अंदर चलते हैं और मार्केट में इस वक्त बारान रहमत बड़ी ज़ोरों की बरस रही है और चारों तरफ दुकानदार भी मौजूद हैं। हम कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, बल्कि हम हमारे साथ एक फ्रूट मंडी वाले हैं और ये फ्रूट को बेच रहे हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि वो कारोबार कर रहे हैं और उन्हें कितनी मुश्किलात है बारिश की वजह से। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बारान रहमत बरस रही है, आप कारोबार कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? कारोबार इधर कोई आते ही नहीं, ना सफाई होती, पानी गंदगा ना जमा हुआ होता सारा, इधर गंद जमा होता सब, कोई सफाई करने वाला कोई भी नहीं आता इधर। अच्छा। ना आज तक आ रहे, कभी भी कोई नहीं आता इधर। हम लोग खुद जो ना सफाइयां करते हैं, खुद मेहनत करके जब माल बेच रहे हैं इधर खड़े। तो आप खुद सफाई करते हैं? जी। मैं मलिक लियाकत मार्केट में मौजूद हूँ और मार्केटें और मसाइल के हवाले से जो प्रोग्राम किया गया है, और यकीनी तौर पर यहाँ पर शदीद बारिश के साथ साथ यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं और इन मसाइल को कौन हल करेगा? लाखों रुपए का टैक्स देने वाली लियाकत मार्केट आज बल्दियाती इदारों की मुंतज़िर है कि यहाँ की सफाई की जाए ताकि हमारे आने वाले ग्राहक यहाँ से आसानी से ख़रीदारी कर सकें। अपने मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।